ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत फुटबॉल मैदान के बारे में बताएंगे जो समुद्र के बीच में है। हेनिंग्सवे स्टेडियम नामक एक फुटबॉल मैदान लोफोटेन द्वीप समूह के निपटारे में पाया जा सकता है, जो उत्तरी नॉर्वे के तट से दूर है। यह आर्कटिक सर्कल से दूर नहीं, आश्चर्यजनक नॉर्वेजियन सागर का सामना करता है और इसे पूरी दुनिया में सबसे शानदार स्टेडियमों में से एक माना जाता है। हेनिंग्सवे ड्रेट्सलैग स्टेडियम, जो केवल शौकिया फुटबॉल के लिए उपयोग किया जाता है, हेनिंग्सवे के नॉर्वेजियन मछली पकड़ने वाले समुदाय में है, जो लोफोटेन के तट पर दो छोटे द्वीपों पर स्थित है। इसका कोई स्टैंड नहीं है और यह कुछ मीटर टरमैक से घिरा हुआ है, लेकिन सेटिंग शानदार है। स्टेडियम एक चट्टानी टापू पर विस्तृत समुद्र, एकांत बंदरगाहों, नाटकीय पहाड़ों और दांतेदार चोटियों के लुभावने दृश्यों के साथ स्थित है। हेलेंसिया द्वीप के मजबूत आधार के सबसे दक्षिणी हिस्से को फुटबॉल मैदान बनाने के लिए समतल किया गया था, जो एक बहुत ही उबड़ खाबड़ परिदृश्य को पीछे छोड़ देता था, जो कॉर्ट सुखाने के लिए भारी मात्रा में रैक से सजी थी। मैदान के किनारे के चारों ओर डामर की एक पट्टी है, जो पार्किंग स्थल और भीड़ स्टैंड के रूप में दोगुनी हो जाती है। ये देखते हुए कि हेनिंग्सवे गांव में लगभग 500 लोग रहते हैं, स्टेडियम की मामूली बैठने की क्षमता पर्याप्त है। स्टेडियम में ही कृत्रिम टफ शामिल है, जिसका उपयोग ज्यादातर हेनिंग्सवे आईएएस सदस्यों द्वारा पड़ोस के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें रात की प्रतियोगिताओं के लिए फ्लडलाइट हैं। युवा फुटबॉल टीम और आस पड़ोस के खेल फुटबॉल के मैदान पर खेले जाते हैं। अभ्यास, प्रतियोगिता, खेल या मीडिया कार्यक्रमों के लिए अलग रखे जाने के अलावा यह सभी के लिए सुलभ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।